Earlier, we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया। वहीं समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द ही बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा मुंबई में होने वाली विपक्षी एकता की अगली बैठक में होगी। इसके साथ ही खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों ईडी सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। सारी मीडिया पर मोदी ने कब्जा जमा रखा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि मीडिया हमारे खिलाफ इतनी शत्रुता रखती है। इसके साथ ही बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के राज में आज देश की आवाज को दबाया जा रहा है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर 9 साल में हर सेक्टर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। बैठक में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी से सवाल किया कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, बीजेपी क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? इंडिया जीतेगा भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबिंब है और अब भाजपा को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। दरअसल 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। सभी दलों ने बैठक के जरिए चुनाव को लेकर रणनीति बनाई।